नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी सलाह। विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, आतंकी संगठनों पर टूट पड़ना पाकिस्तान के हित में, पाक को खुद भी चुकानी पड़ी है आतंकवाद की कीमत। नोटबंदी के फैसले की अमेरिका ने की सराहना। फैसले को बताया जरूरी और महत्वपूर्ण कदम, कहा इससे भ्रष्टाचार और कर चोरी पर लगेगी लगाम। नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के घर को कब्जे मिलेगी ऑस्ट्रियाई सरकार। संसद में पेश हुआ विधेयक, घर को तीर्थ स्थल बनने से रोकने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर लगाया प्रतिबंध। उत्तर कोरिया ने पांचवें परमाणु परीक्षण को देखते हुए लिया फैसला। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा नहीं लड़ेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। दोबारा अपनी उम्मीदवारी पेश करने से किया इनकार। अपने प्रशासन का बचाव करते हुए संरक्षणवाद और लोक लुभावन अधिकारों के प्रस्ताव की निंदा की। और चीन में हुबेई प्रांत के मियाओलिंग में झील में गिरी बस, 17 लोगों की मौत, कई घायल। बस में 20 लोग थे सवार। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।